गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 4:45 बजे हैं और हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने जो कि 4:45 में है। देखिए वाराणसी जा रहे हैं, डर भी लग रहा है, अकेले जा रहे हैं, फर्स्ट सोलो ट्रिप है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या होता है। इतना रात में जा रहे हैं, अभी यहाँ से दूर है, थोड़ा बहुत डर भी है, नर्वस भी है, एक्साइटमेंट भी है, सब कुछ है। और ये है पटना का प्रसिद्ध मंदिर महावीर मंदिर, और ये देखिए पटना जंक्शन सुबह 4 बजे का नज़ारा। बनारस के लिए जो सबसे अर्ली ट्रेन था 4:10 में, वो लेट है 4:40 में, तो हमको वो मिल जाएगा। नहीं तो हम तो सोचे थे 4:45 वाला मिलेगा, लेकिन अच्छा हुआ चलिए आए तो मिल गया। वो ट्रेन लेट है इसलिए अब वही ट्रेन का टिकट ले लिए जनरल में, अब जा रहे हैं। जनरल बोगी में आपको सीट मिल जाए, वो भी विंडो वाली, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फाइनली सुबह के 9:30 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंच गए, और ये जंक्शन का बाहर का नज़ारा, महादेव की नगरी काशी। हेलो दोस्तों, तो फाइनली अभी 10:50 हो रहे हैं सुबह के, तो रूम मिल गया है। बहुत भटकना पड़ा हमको, तो वाराणसी में उतरे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए, कैसे क्या करे। फाइनली ऐसा रूम मिला है 600 में। इसका बाथरूम और टॉयलेट बाथरूम बाहर है। फाइनली नहा के आ गए हैं। मेरे घर रूम के नज़दीक में दशाश्वे मत घाट है, वहीं पर इवनिंग आरती भी होता है जो फेमस है, तो वहीं पर रूम लिए हैं। नहाने के लिए गए थे तो मोबाइल और रूम में रखे गए थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। तो अभी चलिए दिखाते हैं आपको अच्छे से कैसे क्या वहाँ का सीन है, फिर जाते दर्शन करने। चलिए फाइनली रेडी हो गए, अब जाते हैं घूमने के लिए। और ये है दशाश्वमेध घाट, यहीं से मेरा 100 मीटर पे रूम है, और यहाँ पे ही शाम में आरती होती है। और ये देखिए लोग सब यहाँ नहा रहे हैं और बोटिंग और भी कर रहे हैं, जिसको जाना है बोटिंग करना है। शाम में यहाँ का नजारा देखिएगा, कितना भीड़ रहता है आरती देखने। और ये देखिए यहाँ पे नाव बन रहा है। यहाँ पे जितना भी घाट है ना, सब एक साथ ही है, तो घाटे घाट चले जा रहे हैं, घाट पे घाट चेंज होते जा रहा है। तो दर्शन करने जा रहे हैं, न्यू कॉरिडोर बना है ना एंट्री के लिए, तो वहीं जा रहे हैं मंदिर का, काशी विश्वनाथ टेम्पल का। तो घाट पे घाट जाते जा रहे, चेंज होते जा रहा है। किसी किसी घाट का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भीड़ है, किसी किसी पे कुछ नहीं है, तो सब ऐसा है यहाँ पे। और ये मंदिर का नया कॉरिडोर बना है, गंगा नदी के तरफ से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लोग सब सीढ़ी पे बैठ के आराम से टाइम स्पेंड करते हैं, साइड में मणिकर्णी का घाट है। ये गेट जो है ना गंगा नदी के तरफ से, इसलिए गेट का नाम गंगा द्वार है। ये गेट नंबर 1 है, काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी का दर्शन करना तो ये गेट नंबर 1 है। ये देखिए अंदर में बहुत ही सारा स्पेस है, अच्छा बनाया, बहुत ही बड़ा। यहाँ पे आप फ्री में स्लीपर बैग मोबाइल और सारा कुछ सबमिट कर सकते हैं, प्रसादी और कभी सारा सामान यहाँ मिलेगा अंदर में आपको। और ये है मंदिर, लेकिन इस ओके डायरेक्ट एंट्री नहीं है, साइड ओके रास्ता है। और ये कुछ मूर्ति सब है कॉरिडोर में। फाइनली दर्शन करके आ गए, हो गया 1 घंटा के अंदर में दर्शन और हो गया। अभी बहुत बड़ा लंबा भीड़ हो गया, और एक चीज़ गलती कर दी ना, दर्शन करने के लिए गए ना तो हम मेन गेट के बाहर ही नया कॉरिडोर बना है, तो वहीं पे हम सबमिट कर दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला अंदर नहीं, आप मोबाइल ले जा सकते हैं, मंदिर के अंदर नहीं, उससे पहले आप सबमिट कर सकते हैं मंदिर के दर्शन से जस्ट पहले। तो आप कॉरिडोर और दिखा सकते थे, मंदिर का फोटो और दिखा सकते थे। कोशिश करते हैं यदि मौका मिलेगा दोबारा अंदर जाने का, तो देखते हैं तब से मंदिर का फोटो ले लेंगे या वहाँ। तो आप देखते हैं आगे, जो अभी देखते हैं आगे क्या करना है। और ये है मणिकर्णी का घाट, यहाँ पर हमेशा चीता जलते रहती है हमेशा। और ये दुनिया का एक ही सच है, जो आया है वो जाएगा, राम नाम सत्य है।
और ये मणिकर्णिका घाट के साइड साइड से जा रहे हैं। इधर वहाँ पे जलाया जाता तो यहाँ साइड में ही जो भी पिंड और दिया जाता है, जो भी होता है मरने के बाद, वो सब यहाँ पर होता है। और ये रत्नेश्वर मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 9 डिग्री टिल्ट है, लेकिन ये मंदिर का पूजा नहीं किया जाता है। और फिर से यहाँ से वापस जा रहे हैं, ये देखिए बनारस के गलियों से। और यहाँ पे जो जलावन सब यहाँ लकड़ी और रहता है, नाप के तोल के दिया जाता है जलाने के लिए, तो वो खरीदना पड़ता है। और यहाँ से देखिए पूरा कॉरिडोर कितना अच्छा लग रहा है, पूरा सीढ़ी देखिए कितना ऊंचा बनाया गया। और ये साइड में ही मणिकर्णिका घाट भी है, और ये सामने गंगा नदी, वहाँ पे बोटिंग और पूरा बोट लगा हुआ है चारों तरफ से। यहाँ पे बैठ के ना आपको पूरा आनंद आएगा। और बनारस आइएगा तो मलइयो जरूर खाइएगा, ठंडी में मिलती है ये मलइया। रिक्शा का चलान कर रहे हैं, कोदरिया चौक से काल भैरव मंदिर जा रहे हैं, यहाँ पे दर्शन कर लिए तो आप। यह मंदिर जाने का द्वार चौथा, विश्वनाथ द्वार। और अब जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। ये देखिए अभी गेट नहीं खुला है मंदिर का, तो अभी लाइन में लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गया है। पूरा गली में, छोटा सा गली है, वहीं पे मंदिर है बाबा श्री काल भैरव नाथ। यदि बनारस आए तो शिव जी का दर्शन किए तो इनका भी करना जरूरी है। फाइनली दर्शन कर लिए काल भैरव जी का, अब जा रहे हैं। और ये है बनारस का गोदौली चौक, चारों तरफ यहाँ से रास्ता जाता है। और यहाँ पे फिर से घाट पे आके बोट पे चढ़ के अभी बोटिंग करेंगे थोड़ा सा। 100 रुपया लिया है, 40 घाट घुमाएगा। ये देखिए घाट का नाम है राजा हरिचंद घाट, यहाँ नमस्कार कर लीजिए, बोले राजा हरिचंद महाराज की जय। अब यहाँ से बोट इटरेंगे मटगंगा जगह डायरेक्ट, घुमा लीजिए आप लोग। और गंगा नदी के एक तरफ घाट है, एक तरफ फिर से जमीन आ जाता है, पूरा रेगिस्तान है, घुड़सवारी और यहाँ पे होता है। मंदिर होना टेम्पल को वो पूजा नहीं करते, पूजा नहीं, वो माँ का कर्ज अदा करने का ये मंदिर होना। ए बाबू, ये कोई राजा का लड़का आया था काशी में, वो माँ के नाम से टेम्पल बनवा के गया माँ का ऋण अदा करने के लिए, तो माँ ने संकल्प किया तो उसी समय टेढ़ा हुआ मंदिर को, माँ ने बोला जाओ काशी में देख कराओ, तो फिर काशी में आया तो बोला कि माँ का हमने कभी ऋण चुका नहीं पाएंगे मरने के बाद भी, तो वैसे भी सही बात है, मरने के बाद भी हम क्या चुका पाएंगे।
तो माही है। और वापस आ गए हम दस अश्वमेध घाट पे, जहाँ पे शाम की आरती होती है वर्ल्ड फेमस। अभी 4 ही बजा है और देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, जबकि स्टार्ट होगा आरती 6:15 बजे और 2 घंटा पहले से ही देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। और जब आरती स्टार्ट होगी उस समय तो क्या बोले, इतना भीड़ रहेगा एक पैर नहीं रख सकते आप। अभी आरती ख़त्म हो गया, लगभग 40-45 मिनट चला है, मज़ा आ गया देख के। लेकिन आरती देखने के लिए आपको लगभग 2 घंटा पहले से बैठना पड़ेगा, नहीं तो सीट नहीं मिलेगा। हम तो 4 बजे से बैठे थे तो 6:15 बजे स्टार्ट हुआ आरती। अभी जाते हैं देखते हैं। और अभी फिर से जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे कोरिडोर, यहाँ पे घाट हो रहे ना, तो यहाँ पे लेजर शो चलता है स्पेशल ओकेजन पे। यहाँ पूरा वॉल पे पूरा लेजर शो चलता है। और ये रात में देखिए लाइटिंग गेट का क्या शानदार दिख रहा है। और ये देखिए रात में घाट कैसा दिख रहा है। और ये अंदर आ गए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये दिन में तो आपको दिखाई थे यहाँ पे। और ये सामने वाला गेट है मंदिर का, लेकिन ये लेफ्ट साइड से हमको जाना पड़ेगा, सामने से मेन से नहीं जाने देगा। ये देखिए लेफ्ट साइड से यहाँ चेकिंग और होता है, सिर्फ मोबाइल अंदर जाने देगा, उसके बाद फिर ये पतली गली होके अंदर जा रहे। तो यहाँ पे 2 बार लाइन लगना पड़ेगा, एक बार बाहर में जहाँ सिक्योरिटी चेक होगा, और यहाँ पे दूसरा दर्शन के लिए। लेकिन जब दर्शन के लिए लाइन में लगेगा तो यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना पड़ेगा, घूम फिर के सबमिट कर दीजिए। अंदर लेकर आता मोबाइल या स्लीपर, वो यहाँ जमा कर सकता है अंदर में भी। और ये देखिए पूरा कैंपस आप घूम सकते हैं, ये मोबाइल और रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए रात का नज़ारा, और ये सारे लोग जो दर्शन करेंगे वो लाइन में लगे हैं। आप फोटो और ना सिर्फ इसी गेट से क्लिक कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट पे देखिएगा ना तो इसी गेट का फोटो रहेगा। Thank you.
कुछ दोस्तों, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाए, बस एक चीज़ खाई तो वो कुछ दिया था ना, पता नहीं क्या नाम भी भूल गया हूँ, तो वही बस खाए हैं अभी तक, उसके अलावा कुछ नहीं खाए। यहीं ख़त्म करते हैं, अब जाते अब खाएंगे पियेंगे, कुछ शॉपिंग और करेंगे तब। तो सबसे पहले सुबह सुबह आए थे दशाश्वमेध घाट में नहाए, उसके बाद फिर दर्शन करने आगे, फिर मणिकर्णिका घाट गए, उसके बाद कहाँ गए, काल भैरव मंदिर देखने गए, उसके बाद बोटिंग किए, उसके बाद 2 घंटा बैठे आरती के लिए, उसके बाद आरती दर्शन के लिए फिर से दोबारा अंदर आए, ये फिर से फ़ोटो खिंचाने या वीडियो लेने, तभी नहीं ले पाए। तो बस आज का यही था, और लगभग मैं लगता है इतना ही घूमेंगे और आगे नहीं घूमेंगे, जाते हैं। और एक चीज़ कहना था कि आरती जो अभी हुआ ना दशाश्वमेध घाट पे, वो 7 आरती हुआ, मतलब 7 लोग करते हैं और सुबह में एक ही करते हैं आरती वहाँ पे। ये 7:30 बजे हैं और आरती के बाद फिर से लोग सब आने लगे, भीड़ लग गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसे देखने ही आए लाइटिंग और यहाँ पे देखने के लिए। अभी जाइएगा अंदर तो तुरंत हो जाएगा, जब दिन में उतना देर में 1 घंटा में दर्शन हो गया तो अभी तो तुरंत हो जाएगा। और ये मंदिर का मेन गेट और साइड में ये फूड कोर्ट, और बोले ना अंदर में ही सारा कुछ है, फूड कोर्ट, ये मंदिर सब मूर्ति और बना हुआ है, फिर सब कुछ अंदर में ही है, पूरा सब कुछ, सब सारा व्यवस्था बहुत ही शानदार बनाया गया है। ये देखिए कितना बड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है गेट देखने में, साइड में। और फिर से मणिकर्णिका घाट देखने आ गए रात में, देखिए रात का नज़ारा ऐसा रहता है, ऐसा दिखता है रात में, देखिए रात के 9 बजे ऐसा नज़ारा है घाट का। ये वही घाट है जिस पे कुछ देर पहले आरती हुई थी, और ये है सुबह के 5 बजे का नज़ारा बनारस का। हम वापस जा रहे हैं पटना, दोबारा फिर से आएंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, फिर से मिलेंगे।